अनसेव नंबर हम कैसे रिकवर करें, आपसे धोखे से अनसेव नंबर था यानी कि उसे सेव नहीं किया था आपने और वो डिलीट हो गया है, अब आप उसे फिर से वापस लेके आना चाहते हैं तो वो आप कैसे लेके आ सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो है 100% वर्किंग है, आपको YouTube पर ढेर सारी वीडियो मिल जाएंगी लेकिन आपको इस तरीके से वीडियो देखने के लिए नहीं मिलेगी जो मैं आपको बना के दे रहा हूँ। ये जो मेरी ट्रिक है ये हर फोन में काम करेगी, हर सिम पर काम करेगी। आपका कोई भी नंबर है यहाँ पे डिलीट हो गया है तो उसे रिकवर कैसे कर सकते हैं तो यहाँ पे प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को अभी से आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए यहाँ पे हेल्पफुल वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो चलिए बताते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर पर आना है और जो भी आपके फ़ोन में सिम है माई जियो यानी कि जियो की सिम है तो माई जियो डाउनलोड कीजिए, या फिर आपकी एयरटेल की सिम है तो एयरटेल थैंक्स डाउनलोड कीजिए, या फिर आपकी बी की है तो बी आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। जैसे मेरी यहाँ एयरटेल थैंक्स है, ठीक है, यानी कि एयरटेल की सिम है तो मैंने एयरटेल थैंक्स यहाँ डाउनलोड कर लिया, आपको भी डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ डाउनलोड कर लिया, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे रिसेंट में गया तो यहाँ पे एक नंबर जैसे यही नंबर है तो इस पर मैंने लॉन्ग प्रेस किया तो ये नंबर मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने नंबर यहाँ डिलीट कर दिया, 79 था और यही नंबर मैं अभी आपको रिकवर करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे एयरटेल थैंक्स पे मैंने क्लिक किया, आपको भी अपना मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे इस टाइप से आ जाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसे आप ऊपर की तरफ कर दीजिए इस टाइप से और यहाँ पर ही आपको मिल जाएगा कॉल मैनेजर, इस पर क्लिक करना है। कॉल मैनेजर पे क्लिक करेंगे आप ऊपर की तरफ इसे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं वो नंबर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये देख सकते हैं, तो इस टाइप से आप यहाँ देख पाएंगे नंबर जो आपने डिलीट कर दिया है। ठीक है, अनसेव नंबर। फिलहाल लेता हूँ इस वीडियो में, वीडियो के लिए कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद।